प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा वंच परिक्षेत्र गुना के केदारनाथ धाम में आयोजित किया गया अनुभूति कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के करीब 120 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इन छात्राओं को वन परिक्षेत्र के मास्टर ट्रेनर विष्णु परिहार एवं बाईजी गोस्वामी द्वारा वन के बारे में जानकारियां दी गई, साथ ही वन में रहने वाले जीव जंतु औषधियों की जानकारियां भी दी गई। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के श्रम मंत्री भी पहुंचे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जीतने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। कोई भी जानवर रहता है जो जिस क्लाइमेट में या जिस क्षेत्र में रहता है उसका एडाप्टेशन रहता है, अनुकूलता। तो चिड़िया में भी क्या है, पंखे हैं उड़ने के लिए, और उनकी हड्डियाँ भी पतली पतली है, खोखली रहती है, ये एडाप्टेशन है। तो ये तो आप स्कूल में पढ़ते ही हैं, लेकिन जंगल में और आज क्या क्या सीखना है आपको इनको? सर अभी पेड़ों के बारे में और जानवरों के बारे में, जंगली जानवर, फल माप। और जिसको जो भी जिज्ञासा हो, किसी प्रकार से कोई डाउट हो, शंका हो किसी भी प्रकार से कि सर ये क्या है, इसका क्या महत्व है, तो बेझिझक पूछे, है ना। यहाँ आए तो अपने जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करके जाए, ऐसा नहीं कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन साथ वापस चले जाओ, क्योंकि इसके बाद में आपका पेपर भी होगा। अब इससे आकलन हम लगा लेंगे कि आप लोगों ने कितना सुना है, कितना अनसुनी करी है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा सा अच्छा सीख के आए और रिजल्ट बेहतर दें। छोड़ो इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और डीएफ साहब